गाइज कल जो मैच हो रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच, वहां पर मुंबई इंडियंस को एक बड़ी हार थमा दिया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो ये मुंबई इंडियंस का लगातार छठी हार है इस सीजन। तो अगर इस मैच के बारे में बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 199 रन की एक बड़ी स्कोर खड़ा किया था राहुल के शतक के बदौलत। राहुल ने 103 रन बनाए 60 बॉल खेलकर। तो उसके बाद अगर बात करें तो मनीष पांडे भी 38 रन बनाए, तो इसके बदौलत ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक बड़ी स्कोर 199 रन की स्कोर खड़ा कर दिया और 200 रन की विजय लक्ष्य था मुंबई के सामने। पर मुंबई का शुरुआत तो उतना ही अच्छा नहीं रहा क्योंकि दोनों ही उनके ओपनर ईशान किशन और रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं थे, तो वो दोनों बहुत जल्दी आउट हो गए। और ब्रेविस जैसे कि लगातार अच्छी कर रहे थे तो इस मैच में भी वो अच्छी किए, 13 ओवर 31 रन बनाए पर बड़ी पारी उन्होंने नहीं खेल पाए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव 37 रन बनाए। तो उसके बाद कायरन पोलार्ड अंत तक तो रहे पर इतना बड़ा स्कोर था कि वो चेज नहीं कर पाए और मुंबई इंडियंस ने 181 रन ही बनाए और 18 रन से हार हुई है इनकी। तो लगातार ये इनकी छठी हार है, तो अभी तो प्लेऑफ की रेस में वो मुश्किल लग रहा है, पर देखते हैं हो सकता है कुछ भी। तो ऐसे ही मैच की अपडेट लेके आपके साथ जुड़ेंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी चलता हूँ, बाय बाय।